तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ए नंबर का करना सवाल माइनस टू प्लस टू, ठीक। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस टू क्या होंगी, इसका माइनस नहीं कर लेना, क्या बचेंगे ओनली टू प्लस। इसकी क्या होंगी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू इज ओनली टू, क्योंकि अभी निगेटिव साइन नहीं है। जिसका आंसर कितना आ गया, टू प्लस टू कितना होता, फोर होता, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, फोर आएगा, कितना आ गया फोर, ठीक है। ये हो गई ए का आंसर, ए की वैल्यू। उसके बाद बी सॉल्व करना है, तो बी में माइनस फाइव और फिर दिया है और माइनस फाइव दिया है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, तो पहले माइनस फाइव क्या रहती है एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइव ओनली, प्लस इसकी क्या रहेंगी एब्सोल्यूट वैल्यू, माइनस फाइव की भी फाइव रहेंगी। तो कितना आता है, फाइव प्लस फाइव इज टेन, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, टेन होगा। ओके, इसका वैल्यू जो है कितना होगा, टेन, बी का आंसर टेन आएगा। तो अभी ये तो नंबर जैसा है वैसे आएगा नीचे, फाइव मल्टीप्लाई इसका क्या आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, माइनस निकल जाएगा तो क्या आएगा, थ्री आएगा, ठीक है। तो फाइव से कितना था, फिफ्टीन, मतलब सी का आंसर होगा फिफ्टीन। ओके, उसके बाद डी का आंसर जो है, डी का आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस थर्टी डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस सिक्स। तो माइनस थर्टी का माइनस निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली थर्टी डिवाइड बाय माइनस सिक्स का, अगर माइनस निकल गया तो क्या बचेगा, ओनली सिक्स। तो कितना आता, सिक्स से इसको डिवाइड किया तो सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, मतलब फाइव आएगा। ओके, मीन्स डी का आंसर कितना आएगा, फाइव।